अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू व्हाट्स मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ट्राई व्हिच मीन्स थ्री, वर्ड गोनो व्हिच मीन्स एंगल, and the word metri, which means measurement. So basically, trigonometry is the branch of mathematics in which we discuss about the shape which is having three angles, the polynomial, the closed shape which is having three angles. Okay, it means it is the study of triangle. Study of triangle. In a study of triangle, first of all, we must know okay, what's mean by triangle and how many types of triangle are there. Triangle is a three-sided closed shape. Then types of triangle. Types of triangle. Okay. So types of triangle is divided into two conditions. Number one, according to their sides. According to their sides, it's having three types. Number one, different sided triangle. जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो होगा तीनों sides जो होंगे इसके वो different side होंगे, means different होंगे, और इसको हम स्केलन ट्राइंगल भी कहते हैं. ठीक है. देन नंबर सेकंड, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, जिसमें दो साइड्स एक जैसे होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल ए बी सी इज देयर. For example, if AB and AC are equal, then the triangle is said to be isosceles triangle. If AB and AC are equal, then according to the property of isosceles triangle, its opposite angle are also equal. So opposite to AC is angle B, and opposite to AB is angle C. So these two angles are also equal. So this is the condition of isosceles triangle. Number third, equilateral triangle. Equilateral triangle आपके पास क्या होगा? Equilateral triangle is a triangle in which all three sides are congruent. These lines shows the three sides are congruent. ठीक है? This is called the equilateral triangle. अब equilateral triangle की condition क्या होती है? तीनों sides congruent होते हैं और इसके जो तीनों angle होते हैं, क्योंकि sum of angle इसका 180 होता है, तो तीनों angle equal होते हैं. तो 180 को तीन equal हिस्सों में divide करो तो it becomes 60, 60 and 60. So this is the condition for equilateral triangle. These are the three types of triangle according to their sides. Now, according to their angles, number one, acute angle triangle. Acute angle triangle means a triangle जिसके तीनों sides जो हों वो 90 से छोटे हों. Acute की definition होती है lesser than 90 degree. Acute means angle lesser than 90 degree. ठीक है. तो इसके तीनों एंगल लेसर देन 90. फॉर एग्जाम्पल ये 70 हो, ये आपके पास 80 हो और ये 30 हो, तो तीनों एंगल जो है वो लेसर देन 90 डिग्री है. सो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेट टू बी एक्यूट एंगल ट्राइंगल. देन सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू देयर एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मीन्स कोई भी एक एंगल जो होगा इसके अंदर वो 90 से बड़ा होगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है, इसका एंगल है 120 डिग्री. कोई भी एक एंगल जो होगा इसके अंदर क्या होगा, 90 से बड़ा होगा. देन सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेड टू बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन है एंगल विच इज ग्रेटर देन एंगल थीटा विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेसर देन 180 डिग्री. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ
obtuse angle triangle. Then the major part of this chapter is right angle triangle. अब राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो हो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, जिसका एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री हो. दिस टिनी स्क्वायर रिप्रेजेंट द 90 डिग्री मेजरमेंट. सो इसके अंदर एक एंगल 90 होगा, तो सच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज सेट टू बी राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ वी आर गोइंग टू फर्दर डिस्कसिंग अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल. के राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसके जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बता दिया. ठीक है, इसमें जो दिस इज द राइट एंगल, दिस टिनी स्क्वायर शोज द राइट एंगल. अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एंगल आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये आपको थीटा है, थीटा इज कॉल्ड गिवन एंगल. ठीक है, नाउ इसमें अगर फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी. ठीक है, देन the side which is opposite to 90 degree, the side which is the triangle having three sides, the right angle triangle is having three sides. Number one, hypotenuse, perpendicular, yeah, side opposite or base. Okay, hypotenuse means साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री. नाउ हियर द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज ए बी, सो दिस साइड इज सेड टू बी हाइपोटेन्यूस. ओके, द डेफिनेशन ऑफ हाइपोटेन्यूस इज साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री. सिमिलरली द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर इज साइड ऑपोजिट टू गिवन एंगल. अब अगर हमारे पास ये गिवन एंगल है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ठीक है, सिमिलरली बेस मीन्स साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल. जो हमारे पास बेस है साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल होगा. या फिर इसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो बच रहा है, जैसे हाइपोटेन्यूस साइड 90 के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस जो एंगल हम यूज कर रहे हैं उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो तीसरा साइड बचेगा दैट विल बी बेस. और ये एंगल के एडजेसेंट भी होता है. ठीक है, दोनों में से किसी भी तरह से आप लोग याद कर सकते हैं. अच्छा जी, देन ये तो हो गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बेसिक बातें कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेन्यूस क्या होता है. ठीक है, अब जो परपेंडिकुलर होता है उसमें अगर हमें उसको उसमें से कोई अननोन फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम. जो हमारा पैथागोरस थ्योरम है ये अप्लाई करते हैं हम व्हेन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर गिवन टू यू. ठीक है, पैथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर is equal to base square plus perpendicular square. अगर आपको hypotenuse, perpendicular, base identify करना नहीं आती है तो आप Pythagoras theorem apply नहीं कर सकेंगे. As I told you about hypotenuse, base or perpendicular, hypotenuse is side opposite to 90 degree, perpendicular is side opposite to given angle and base is side adjacent to given angle. ठीक है, तो ये identify करना जरूरी है. अगर इसके अंदर base और perpendicular आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाइपोटेन्यूस को करेक्टली आइडेंटिफाई आप लोगों ने करना है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप है, ठीक है, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमारे पास ये एंगल गिवन है 13, ये हमारे पास थीटा गिवन है, इसके मुताबिक हमारे पास ये 6 गिवन है. दे आर आस्किंग टू फाइंड इट्स ट्राइंगल पी क्यू आर. They are asking to find PQ. अच्छा जी, now
इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास दो साइड्स गिवन है और तीसरा साइड फाइंड आउट करना। तो जब भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास दो साइड गिवन और थर्ड साइड फाइंड आउट करना, तो आप क्या अप्लाई करेंगे? पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस मीन साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री मेजरमेंट। इसका जो ऑपोजिट साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, और गिवन एंगल के ऑपोजिट साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। इट मीन्स दे आर आस्किंग टू फाइंड बेस। They are asking to find base. So hypotenuse will replace by 13. Base is replaced by PQ, जो कि हमें find out करना है, और perpendicular is replaced by 6. 13 square means 169 is equals to PQ square plus 6 square means 36. 169 minus 36 is equals to PQ square. Now 169 minus 36, अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ हो पेपर वन में आएगा तो आपने इसको रूट की फॉर्म में छोड़ना होगा, अगर पेपर टू में आएगा तो कैलकुलेटर अलाउ है आपके पास, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 3 3, 133 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। पी क्यू पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो पी क्यू की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 133। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। इट विल बी इन बिटवीन 11 एंड 12, इट विल बी 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द साइड व्हेन टू साइड्स आर गिवन टू यू। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द साइड व्हेन टू साइड्स आर गिवन टू यू इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, ये तो हो गया पैथागोरस थ्योरम। अब राइट एंगल ट्राइंगल और कहाँ यूज में आता है? एक और राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल इन विच दिस वन शोज राइट एंगल 90 डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, एंड दिस वन फॉर एग्जाम्पल 30 degree, and the side is given to you 5. Triangle PQR. Examiner is asking you to find QR. ठीक है, तो ये भी right angle triangle है। इसमें भी मतलब आपको कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ये वो कंडीशन है, यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज इस ट्राइंगल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइड गिवन है। अच्छा जी, अब पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता तो राइट एंगल ट्राइंगल में और दूसरी कंडीशन क्या है? द सेकंड कंडीशन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर आपने बचपन में पढ़ा हो क्लास 9th में, सम पीपल टीचर यूज टू आपको याद करवाने के लिए ये फॉर्मूला बताते हैं, लाइंस बताते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिकॉल टू मेमोराइज द फॉर्मूला। अब some people have means as trigonometric ratios are sin theta, cos theta and tangent theta. These are the basic trigonometric ratios जो आप अभी class O levels में पढ़ रहे हैं। तो S for sin theta, P for perpendicular, H for hypotenuse. So the formula for finding out the sin theta is perpendicular upon my hypotenuse. So some people have means S for sin theta, P for perpendicular or H for hypotenuse. S for sin theta, P for perpendicular or H for hypotenuse. Then curly brown hair, so C for cos theta, B for base, H for hypotenuse. So cos theta ka formula ho gaya aapke paas, base upon hypotenuse. Theek hai, then third one till painted black means T for tangent theta, P for perpendicular and B for
बेस। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। नाउ व्हाट्स मीन बाय थीटा? अब ये जो थीटा होता है ये क्या होता है? जो थीटा इसमें यूज हो रहा है, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज दी गिवन एंगल। थीटा क्या होता है आपके पास? गिवन एंगल होता है। जैसे अब इसी थीटा के जो ऑपोजिट होगा, इसी थीटा के जो ऑपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। वो क्या कहलाएगा आपके पास? परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इस थीटा के जो एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट साइड जो होगी, एडजेसेंट टू थीटा इज सेट टू बी बेस। ठीक है, एडजेसेंट टू थीटा इज बेस एंड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। और फिर जो 90 के ऑपोजिट होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये थीटा वो है जो थीटा जो आप यूज कर रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड गिवन एंगल। अब आ जाते हैं ऊपर दोबारा से क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे पी क्यू आर फाइंड आउट करना है। अब क्यू आर क्या है हमारे पास? ऑपोजिट टू 90, क्यू आर इज दी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बिकॉज ये 90 के ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज होगा। और 5 क्या हमारे पास? ये थीटा हमारे पास, ये हम ये एंगल यूज कर रहे हैं, तो इसका जो ऑपोजिट है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो हाइपोटेन्यूज है, और जो गिवन है वो परपेंडिकुलर है। तो कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आते हैं? दैट इज साइन थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, साइन थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास क्यू आर। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड क्यू आर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो क्यू आर आएगा, क्यू आर विल बी इक्वल टू 5 अपॉन में साइन 30, यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन साइन 30। तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी, जब आप 5 को साइन 30 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 10। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेयर एंड वेन वी वेन टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम। वेन एवर द राइट एंगल ट्राइंगल इज देयर, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास होगा, तो या तो आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा, या तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने होंगे। ये एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका, जब दोनों दो साइड्स आपको गिवन हो और एंगल कोई मालूम करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल आपके पास गिवन है, फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल है ए बी सी। ठीक है, आपके पास दो साइड्स गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये साइड गिवन है 6 और ये साइड गिवन है 3, एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड एंगल ए बी सी, फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है, तो पहले हमने फाइंड आउट किया राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कि दो साइड्स गिवन होते हैं, तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर एक एंगल और एक साइड आपके पास गिवन हो, तो दूसरा साइड कैसे मालूम करते हैं, वहां पे फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई किए। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें दो साइड्स गिवन है और एंगल फाइंड आउट करने का कह रहा है। कौन सा एंगल फाइंड आउट करने का कह रहा है? एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने का कह रहा है, मतलब ये थीटा फाइंड आउट करने का कह रहा है। अब हमारा जो गिवन एंगल है वो ये है, ये हमें मालूम करना है इस एंगल का, ये हमारा थीटा है। ठीक है, तो इसके मुताबिक हमने परपेंडिकुलर और बेस आइडेंटिफाई करना है, और 90 का ऑपोजिट जो होता है वो तो हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 का जो ऑपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज हो गया, एंगल का जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर हो गया। तो आपने एंगल फाइंड आउट करने के लिए वो दो साइड्स लेने होते हैं जो गिवन हो। तो हमारे पास जो गिवन साइड है वो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो कौन सा होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू साइन, उधर जाके हो जाएगा साइन इनवर्स। हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है? हमारी परपेंडिकुलर वैल्यू है 3, हमारी हाइपोटेन्यूज वैल्यू क्या है? वो है 6। सो हमारे पास जो थीटा आएगा
it will be equal to sine inverse 3 upon 6 या 1 upon 2, it will be equals to 30 degree. When you, जब आप इसका आंसर निकालेंगे, so it will be equals to 30 degree. तो ये हमारा वो मेथड है जिसके थ्रू हम तीसरा साइड मालूम कर सकते हैं. जब दो साइड्स गिवन हो, राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी हमने की आज. जब दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जब एक एंगल एक साइड गिवन हो तो हम कोई भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और जब दो साइड्स गिवन हो तब हम कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो ये था हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ कुछ बातें जो हमने डिस्कस की. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह फिर हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. होप आप लोगों को समझ आया होगा. इंशाल्लाह फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.